प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत साहित्यिकता और शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंध का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम शुक्ल जी के निबंध और शुक्ल जी के निबंधों का वर्गीकरण और विवेचन तथा हिंदी के मनोवैज्ञानिक निबंध और शुक्ल जी इस विषय पर अध्ययन कर चुके हैं। तो साहित्यिकता और शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंध, निबंध साहित्य का विषय है और भाव या मनोविकार मनोविज्ञान का विषय है। शुक्ल जी के 9 निबंध ऐसे हैं जिनमें भाव या मनोविकारों को प्रतिपाद्य बनाया गया है, इसलिए इन्हें मनोवैज्ञानिक निबंध कहा गया है। काव्य आलोचकों ने इस बात पर गहन विचार विश्लेषण किया है कि इनमें मनोविकारों का यथार्थ अंकन हुआ भी है या नहीं। वस्तुतः साहित्यकार और मनोवैज्ञानिक मनोविकारों का प्रतिपादन अपने अपने ढंग से करते हैं। मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है। मनोविकार को मनोविकार की व्याख्या, विश्लेषण और लक्षण बतलाना उसका विषय है। मनोविज्ञान तटस्थ होकर बतलाता है कि मनोविकार किस वर्ग का है और उसके उत्पन्न होने पर शरीर या मन में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत साहित्यकार जब मनोविकारों पर लिखता है तो उन पर शास्त्रीय दृष्टि से विचार नहीं करता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्साह, क्रोध, लोभ और प्रीति आदि मनोविकारों पर साहित्यिक दृष्टि से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने मनोविकारों की उत्पत्ति, विकास, लक्षण, उपयोगिता आदि पर अपने विचार और चिंतन को प्रभावशाली शब्दों में प्रस्तुत किया है। मनोवैज्ञानिक जब किसी मनोविकार पर लिखता है तो उसमें दुरुहता और रूखापन रहता है, जबकि शुक्ल जी के निबंध रसात्मक हैं, साहित्यिक और पौराणिक प्रसंगों को प्रस्तुत कर वे अपने मनोविकार संबंधी निबंधों को रसात्मक बनाते चलते हैं। श्रद्धा और भक्ति पर विचार प्रस्तुत करते हुए उन्हें रसखान की पंक्ति "मानुष हो तो वही रसखान" का स्मरण हुआता है। तो करुणा नामक मनोविकार में सूर की ये पंक्तियाँ याद आ जाती हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय त्यारे सुत की कृपा करत ही रही हो। शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंध उनकी साहित्यिक उत्कर्षता का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। श्लिष्ट शब्दावली और सामाजिक शैली में लिखित उनके मनोवैज्ञानिक निबंध साहित्यिक परिपक्वता का परिचय देते प्रतीत होते हैं। वे बड़े सरल ढंग से समझाते हैं कि मनोविकारों का दमन उचित नहीं। मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति में भावों की तत्परता में है। नीतिज्ञों और धार्मिकों का मनोविकारों को दूर करने का उपदेश घोर पाखंड है। इस विषय में कवियों का प्रयत्न सच्चा है, जो मनोविकार पर शान ही नहीं चढ़ाते बल्कि उन्हें
परिमार्जित करते हुए सृष्टि के पदार्थों के साथ उनके उपयुक्त संबंध निर्वाह पर जोर देते हैं। मनोविज्ञान पूर्ण निरपेक्ष होकर मनोविकारों पर विचार करता है, जबकि शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंध उनके गरिमा में व्यक्तित्व की आभा से दैदीप्यमान है। उनकी रुचि अरुचि प्रकृति प्रेम लोक विधायक जीवन दृष्टि रसात्मकता आदि इन निबंधों में सहज ही समाविष्ट हो गई है। इन निबंधों में उनके साहित्यिक और सामाजिक जीवन का संपूर्ण अनुभव अभिव्यक्त हुआ है। मनोवैज्ञानिक तथ्यों के निरूपण में सफलता या असफलता, मनोविज्ञानी और साहित्यकार के विषय प्रतिपादन में अंतर होता है। मनोशास्त्री केवल सैद्धांतिक विवेचन करता है, जबकि शुक्ल जी अपने मनोविकार संबंधी निबंधों में एक साहित्यकार की दृष्टि से विचार व्यक्त करते हैं। वे साहित्य के विशेषज्ञ हैं, मनोविज्ञान का उनका अध्ययन उच्च कोटि का था। जब वे 10वीं कक्षा के छात्र थे तभी हर्बर्ट स्पेंसर की साइकोलॉजी का अध्ययन कर लिया था। पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि के मनोविकार संबंधी निबंध उन्होंने पढ़े थे। स्वभावतः शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंधों में शास्त्रीय विवेचन है तो साहित्यिक उत्कर्ष भी। उनके निबंधों में मनोविज्ञान साहित्य शास्त्र और समाजशास्त्र का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने रसात्मक बोध के विविध रूप नामक निबंध में बतलाया है कि भावों की उत्पत्ति भौतिक जीवन में ही होती है। संसार सागर की रूप तरंगों से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण और इसी की रूप गति से उसके भीतर विविध भावों या मनोविकारों का विधान हुआ है। वे काव्य सृजन के लिए मनोविकारों का अध्ययन आवश्यक मानते हैं, क्योंकि काव्य का मनोविकारों से और मनोविकारों का मनुष्य के व्यवहार जगत से घनिष्ठ संबंध है। आचार्य शुक्ल जी ने चिंतामणि में इन्हीं मनोविकारों को विषय बनाया है, जो साहित्य में रस विधान से संबंध रखते हैं। मनोविकारों की उपयोगिता के संबंध में शुक्ल जी ने करुणा नामक निबंध में लिखा है कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। कुछ आलोचक आरोप लगाते हैं कि मनोविकार संबंधी भाव निरूपण में शुक्ल जी कहीं कहीं दुरू हो गए हैं तथा कुछ स्थापनाएं जल्दी में कर गए हैं। इस संबंध में इतना समझना पर्याप्त है कि मनोविज्ञान एक रूखा विषय है। शुक्ल जी ने उसे जितनी सरलता से अभिव्यक्त कर पाना संभव था कर दिया। छोटे मोटे दोष तो हर कहीं देखने को मिल जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मनोविकार संबंधी निबंध हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इनका सृजन उच्चतर कक्षाओं में हिंदी निबंध पढ़ाने की दृष्टि से किया गया था। इन निबंधों में भाव निरूपण पूर्णतया निर्दोष और वैज्ञानिक भले ही न हो पर प्रौढ़ और रसात्मक अवश्य है। भाव या मनोविकार अमूर्त विषय हैं। इन पर लिखित शुक्ल जी के निबंध न केवल हिंदी में अपितु किसी भी भाषा के निबंधों से श्रेष्ठ हैं। अंत में यही कहा जा सकता है
धन्यवाद।